Self-made, presented by Brands Academy, powered by Introducing International Standard Air and RO Water Purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Knowledge Partner, WBR Corporation. Styling Partner, Lalit Dalmia. Beauty Partner, Kanchan's Hope Surat. Location Partner, BP Marine. अंधेरे से रोशनी चुराने की कला मुझे आती है, शूलों को फूलों में बदल देने का भी हुनर हमने सीखा है। न देव हूं न देव पुत्र हूं, धरती पुत्र हूं मैं, जीने के लिए हर पल संघर्षरत रहता हूं मैं। इन्हीं धरती पुत्रों की जिंदगी पर आधारित हमारा यह प्रोग्राम सेल्फ मेड में मैं रोहित रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो उत्तराखंड के एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे, ये स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई कर आर्किटेक्ट बने और कई संघर्षों के बाद आज वो किंग ऑफ ग्रुप हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कहलाते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ दीपक मेहता साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी, आइए आइए प्लीज। थैंक यू, बैठिए। तो दोस्तों, ये है आर्किटेक्ट दीपक मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। दीपक जी, आपकी सफलताओं को और आपके संघर्ष को, सब चीज को समेट कर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है आपके लिए, प्लीज देखिए। दीपक मेहता का जन्म भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन देहरादून के एक अति साधारण परिवार में हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने विश्वविख्यात रुड़की इंजीनियर कॉलेज, जिसे आज आईआईटी रुड़की कहते हैं, वहां से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद ये दिल्ली आए और संघर्ष की तपिश में कूद पड़े। दिल्ली में कई बार भूखे भी रहे, लेकिन अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। इन्हें नौकरी नहीं करनी थी, अपना काम करना था। धीरे धीरे सफलता ने दामन थामा और एक के बाद एक कई मंजिलों को पीछे छोड़ते गए और आज ये भारत में एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं और अपने क्षेत्र में कई लोगों के लिए उदाहरण हैं। दीपक जी नॉट ओनली एन आर्किटेक्ट बट ही इज एन आर्टिस्ट। ही इज ए ब्लेंड ऑफ हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी। आई लव हिज पंक्चुअलिटी वेरी मच। हिज मैनेजरियल स्किल्स आई लव। ही इज वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन आई एवर सीन। सुपर्ब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दीपक जी के साथ बातचीत, बचपन से शुरू करते हैं। आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से शुरुआत है, कहाँ थे? शुरुआत पैदाइश हमारी देहरादून की है बेसिकली। जी जी। बिलोंगिंग टू अ बैंकिंग फैमिली, फादर बैंक में थे। बैंकिंग फैमिली, पूरा परिवार लगभग बैंक में था उस समय। जी जी। और मदर ने शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की उस जमाने में, और अच्छा, म्यूजिक में करी। वाओ। काफी मतलब मेहनती रहे हैं मदर भी फादर भी। जी जी। फादर यूज टू वॉक 5 किलोमीटर फ्रॉम द बस स्टैंड बिकॉज ही वाज इन ट्रांसफरेबल जॉब। हमारी फीस पे करने के लिए पैदल चलते थे, बचाते थे। तो इस तरह हमारा ग्रोथ हुआ। वी न्यू द वैल्यू ऑफ द वर्क। सर, एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी है, पता नहीं सच है कि नहीं, आपके बचपन की कहानी है कि बचपन में पढ़ाई तो करते थे लेकिन पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में शौक था, लेकिन फिर भी बोर्ड में आपने काफी अच्छे नंबर लाए। ये जादू कैसे हो गया? ये था कि फर्स्ट से फिफ्थ तक तो बहुत अच्छी रही पढ़ाई, फोर्थ सिक्स तक। वो याद है हमको 1971 में मैच था एक हम लोगों का, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, मैनचेस्टर में, ओवल में, जिसमें चंद्रशेखर साहब ने 6 for 38 या तो जीते थे। अच्छा। उसके बाद से क्रिकेट का ऐसा शौक लगा तो पढ़ाई पीछे चली गई, क्रिकेट आ गया। दीपक जी से बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो बातों का सिलसिला बस शुरू ही हुआ है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Join Merchant Navy and Hospitality Management, BSc Nautical Science, Electro Technical Officer, ETO course, and HND Nautical Science in Marine Engineering. Courses approved by Director General of Shipping, Government of India, and MCA Government of UK. BP Marine Academy, best infrastructure amongst marine institutions in India. Rated outstanding by DNVGL. Twice received the Limca Book of National Record for training highest number of candidates. Business ke utar chadhav mein, jab baat ho आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा. जी बिजनेस, आपका फायदा. विनर्स, यू कैन ऑलवेज स्पॉट देम ट्राइंग समथिंग न्यू, डिफरेंट, चेसिंग एक्सलेंस. Powered by a relentless drive to be exceptional. They're not out to make history. They are about making legend. And once they start winning, they just don't stop. Presenting the winner of 16 awards and counting, Tata Tiago with Easy Shift AMT starts at 3.24 lakhs. Brahmi, Shankh Pushpi, Ashwagandha adi jadi butiyon se yukt va vitamin D, B12, calcium va iron se bharpoor. Pure parivar ke prakritik poshan ke liye Patanjali ne taiyar kiya hai Herbal Power Vita. Hall mein aisi kise chahiye? अरे हॉल के वॉल्यूमेट्रिक पावर कंजम्पशन के बारे में हम बहुत सोचते हैं, इसीलिए गोदरेज NXW इंडियाज मोस्ट पावर सेविंग ग्रीन इन्वर्टर AC. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. मैं हूं रोहित रॉय और आप देख रहे हैं सेल्फ मेड. दोस्तों, आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके दीपक मेहता साहब दिल्ली पहुंचे. तीन तीन लोगों के साथ रूम शेयर करते थे, खुद का खाना बनाते थे, सफाई करते थे, कई बार भूखे पेट सो जाते थे, लेकिन मन में ये बात ठान ली थी कि नौकरी नहीं करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे. एम आई राइट सर? बिल्कुल ठीक. आप अकेले आए थे सर? हाँ, अकेले आए थे, लेकिन पांच छह दोस्त साथ रहे थे. एक DCM बिल्डिंग बन रही थी. अच्छा. उनके जेई के साथ पांच सात दिन एक ही कमरे में पांच छह लोगों ने गुजारे थे, अभी तक याद है हमको. ओके. तो वहाँ से 500 कुछ दो नंबर की बस लेके सर्वोदय एन्क्लेव ट्रेनिंग के लिए जाते थे. ट्रेनिंग होती थी 6 महीने के लिए. ये ट्रेनिंग के दौरान था जी. उसके बाद फिर हमने किराए पे मकान लिया, 8-9 लोगों ने मिलकर 5-6-2 कमरे लिए. अच्छा. खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही करते थे. स्टार्टिंग वॉज अराउंड 1450 रुपीज पर मंथ. अच्छा. It was a stipend given. Okay. लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, अपना ऑफिस एक खोल लिया था हमने साथ. Okay. यही मेरा सवाल, अगला सवाल था कि पहला जो प्रोजेक्ट है, जो पहला प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, वो कब, कैसे और कहां मिला? ब्रेक आया है बेसिकली 88-89 में. ओके. थ्रू मदर कह लीजिए, मदर का ऑपरेशन था देहरादून में, मेजर ऑपरेशन. एंड शी ओवरहर्ड डॉक्टर वाज ऑपरेटिंग अपॉन टॉकिंग टू समवन अबाउट अ हॉस्पिटल टू बी बिल्ड इन देहरादून. अच्छा. तो शी टोल्ड मी ऑन द ऑपरेशन टेबल टू गो टू एंड मीट द डॉक्टर. माय गॉड, दैट वाज द हेल्प, यू नो द काइंड ऑफ लव शी हैड फॉर अस एंड माय प्रोफेशन. एंड ऑन द ऑपरेशन टेबल आई वेंट देयर एंड मेट द डॉक्टर हु गेव मी अपॉर्चुनिटी टू मेक द ड्रॉइंग्स. हालांकि वो हॉस्पिटल नहीं बना, बट ही वाज सो इंप्रेस्ड बाय द टाइम कमिटमेंट आई गेव देम. राइट. जो बाकी आर्किटेक्ट्स काम कर रहे थे, शायद वो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने हफ्ते का टाइम दिया तो 6 दिन में ड्रॉइंग लेके पहुंच गया था उनके पास. अच्छा. ही रेफर टू मी टू अनदर प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट हमको फिर साइन हुआ, उसी स्पीड पे और क्वालिटी पे हमको वो काम मिला था. ये आपका पहला मेजर प्रोजेक्ट था? क्या था सर ये? वो था शताब्दी नगर मेरठ. शताब्दी नगर मेरठ इट्स 1800 एकड़ साइट
और 5,000 dwelling units बनने थे उसके अंदर. That was the first major project. Sheer basically speed and work. Fantastic. And of course your talent. ये दीपक जी ने खुद बात की, बहुत ही अनुशासन प्रिय और समय के पाबंद थे जैसा कि आपने सुना, और इसीलिए ये कंपाउंडिंग कॉस्ट को कम करते थे जिस कारण इन्हें काफी प्रोजेक्ट्स मिले. ये आपने बात की टाइम बाउंड, ये कैसे कर पाते थे? कंस्ट्रक्शन में आप हमेशा सुनते हैं कि सब कुछ लेट ही चलता है. लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट हमने किए हैं उसके बाद हमको काफी प्रोजेक्ट मिले, ग्रुप हाउसिंग के गुड़गांव वगैरह, फरीदाबाद वगैरह, और विदाउट एनी पेनल्टीज, क्योंकि हरियाणा में गुड़गांव में मतलब पेनल्टीज काफी रहती है, मकानों में 1,00,000 पेनल्टी आ जाती है. लेकिन वो भी खत्म किया, सिर्फ इसलिए कि हम पैकेज टाइप बनाते हैं जो हम काम करते हैं. काम शुरू तब होने देते हैं जब ऊपर की आखिरी ड्राइंग भी रेडी हमारे पास होती है. ओके, ओके. वो ड्राइंग हम एक पैकेट एक फोल्डर की तरह रिलीज करते हैं. ओके. तो ना तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को परेशानी होती है, ना किसी क्लाइंट को परेशानी होती है, ना छोटे जैसे सैनिटरी कॉन्ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिक, एक ड्राइंग समावेश हो जाता है पूरा. उसमें एडवांटेज क्या मिलता है हम लोग को, हमारा टाइम भी बहुत बचता है. इनिशियल मेहनत 2-3 महीने की होती है, लेकिन सपोज एक बिजली का पॉइंट आपने चेंज करना है, उसके नीचे वाइब्रेशन आ रहा है, तो आपने इलेक्ट्रिकल लाइन चेंज कर दिया, प्लंबिंग लाइन चेंज नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें डिले होता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हमने ये भी सुना है सर कि एक प्रोजेक्ट के दौरान 20-20 घंटे आप काम करते थे, उसमें से सुनिए 4-5 घंटे इन्होंने स्कूटर पे बिताए. अब ये क्या किस्सा है? दैट वाज द शताब्दी नगर आई टोल्ड यू बिफोर. अच्छा, दैट्स दैट फर्स्ट बिग थिंग. उसमें मेरठ इज अराउंड 72 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. हां, स्कूटर पे जाना, वहां से डिस्कस करके आना, फिर शाम को वापस ड्राइंग लेके जाना डिस्कस करने के लिए. तो दैट वाज अ पीरियड वी वर नॉट 20 आवर्स, मे बी 48 आवर्स रेगुलर भी हमने काम किया है. लगातार नॉन स्टॉप किया है, नॉन स्टॉप काम किया, बिकॉज उन डिपार्टमेंट की हेड वो थी, डेडलाइन थी कि प्रोजेक्ट हमको लॉन्च करना ही करना, 15 अगस्त को लॉन्च करना ही करना. ओके. तो 27 जुलाई वाज दैट डेट वी वर वेरी करेक्टली, बिकॉज़ 27 इज अ वेरी 1988 यू आर सेइंग 1889. तो 27 इज अ कॉमन फिगर विद मी, सब जगह रिपीट होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रगल करके उसमें संघर्ष पूर्ण किया, मतलब एक्सीडेंट भी हुआ, तेजी से चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ऑल सेड एंड डन इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट व्हिच गेव मी अ ब्रेक. वाओ, फैंटास्टिक. आई थिंक इसके लिए तालियां तो बनती है, और पहला ही प्रोजेक्ट इतना लंबा हो. और ये बात थी 1988-89 की. अब 2017 में इन्हें ग्रुप हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग का किंग माना जाता है. प्लीज हमारी ऑडियंस को, आई नो यू आर लिटिल अनकंफर्टेबल विद बीइंग कॉल्ड किंग एंड ऑल दैट, क्योंकि आप इतने हम्बल हैं, लेकिन कुछ बताइए रिसेंट, आप लोग रिसेंट किस चीज पे काम कर रहे हैं? रिसेंट में बेसिकली हम मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग में मतलब काफी प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए. सो इट्स ऑल पैन इंडिया, ऐसा नहीं है कि एक ही शहर में आप, और लेकिन ग्रुप हाउसिंग है, बट अगेन विद द पैकेज सिस्टम. पैकेज सिस्टम में सबको दे आर वेरी कंफर्टेबल, सबके पास ड्राइंग इकट्ठी आ जाती है, दे कैन टेक आउट द बीओक्यूज, दे वेस्टेज जीरो हो जाती है. ओके. दूसरा स्टेज होता है हमारा प्लानिंग के अंदर. प्लानिंग के हम ये कोशिश करते हैं कि जो कॉमन एरिया है मिनिमम रहे, जो रेस्ट कंफर्ट है वो, जैसे आपने कोई मकान लिया आपको अंदर का यूनिट कंफर्टेबल मिले, ज्यादा दिन कोर एरिया में एक्सपेंड करके एरिया वेस्ट करके आपको अंदर का एरिया ज्यादा है, तो उसी एक्सपेंस में आपको ज्यादा एरिया मिल रहा है, उसी एक्सपेंस से दूसरे को कम एरिया मिल रहा है, तो देयर लाइज द एडवांटेज. दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स. एक सवाल सर जहन में था, आप लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या लाए हैं जिससे पूरा वर्कलोड भी चेंज हो जाता है, इंडियन वर्किंग सिस्टम एज फार एज बिल्डिंग्स आर कंसर्न वो चेंज हो जाती है, कुछ बताइए. ये चलिए प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोगों का दारूहेड़ा में, इट्स नियर गुड़गांव, इट्स अराउंड 10 किलोमीटर्स ऑफ गुड़गांव टुवर्ड्स मनेसर साइड. उसमें वॉल्स जो है एक पॉलीस्टीरीन मटेरियल आता है जो कि पुणे की फैक्ट्री बनाती है, बिल्डिंग की दीवारें, वो बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली 1/10 द वेट ऑफ ब्रिक, उससे भी कम है. अच्छा. 4 फुट by 8 फुट का पैनल मैं अकेला उठा के वहां लगा सकता हूँ. अच्छा. इकोनॉमिकल वायबल है, रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं सर? वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उसको बुलेट प्रूफ टेस्ट भी हम लोगों ने किए हैं. बुलेट प्रूफ टेस्ट, बुलेट भी क्रॉस नहीं करती है. उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिक मटेरियल है, उसके ऊपर एमएस का जाल दोनों तरफ बांधते हैं, उसके ऊपर M15 की कंक्रीट से प्लास्टर होता है. डिफरेंस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तो है, बिकॉज लोड 30% लोड बिल्डिंग का कम हो गया. द स्टील रिड्यूसेस फ्रॉम 5 kg/sq ft टू 3.5 kg टू 3 kg/sq ft. और ये आप कर चुके हैं या कर रहे हैं? ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है. फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. सो ट्राइड, ट्रस्टेड तो है, टेस्टेड नहीं है हल्का सा, बट claims based, but somebody has to take the initiative. So I had taken the initiative, requested the client, and he agreed to it. And
they are also pioneering the same material basically. Okay, okay. They are very happy. और अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी वो लगाना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में फ्यूचर में इसी टाइप के मटेरियल आएंगे क्योंकि जो एल्युमिनियम शटरिंग से मकान बन रहे हैं जिसमें कंक्रीटिंग टोटल हैवी है स्पीड उसमें जल्दी हो जाती है लेकिन डिसएडवांटेज हीट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उसके अंदर दे डोंट क्वालिफाई फॉर द ग्रीन बिल्डिंग वो थोड़ा सा हमको उसका एक अल्टरनेटिव निकालने की दिस इज अ ग्रीन अल्टरनेटिव चलिए इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद इनके परिवार के बारे में इनके व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कुछ और बातें होंगी कहीं मत जाइएगा मिलते हैं जल्दी Something wrong with your skin? Think thyroid. Think thyroid. Think Thyrocare. इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी आंवला भृंगराज धृत कुमारी जटामासी मेहंदी व नाग केशर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल विद नेचुरल शैंपू एलोवेरा शैंपू एंटी डैंड्रफ शैंपू और मिल्क प्रोटीन शैंपू जो बनाए आपके बालों को जड़ों से मजबूत हेयर फॉल और डैंड्रफ आदि प्रॉब्लम से रखे दूर अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जियो। शुरुआत करते हैं सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 के तीसरे सिटी राउंड यानी कि दिल्ली राउंड की आपने तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह सब समझा दिया सुनने वालों को समझ आया कि नहीं ये नहीं पता सीडीओ मतलब बहुत ही मुश्किल टॉपिक है मतलब आसान नहीं है सीडीओ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लास है नीचे की कॉल ले रहे हैं ऊपर की कॉल बेच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि अगर मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस बुल रन में रहेगा एंड नीचे वाली कॉल का ऑलरेडी प्राइस हाई होगा उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होगा प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड एमबीए तो कर लिया अब जॉब का क्या मैं कुछ बनना चाहती हूँ बट उसका रास्ता क्या है आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा डॉक्टर सुभाष चंद्र शो Honoring the hard work of our unsung entrepreneurs because some achievements deserve a legacy. Zee Media presents Family Legacy Business Awards. To nominate your company, please type legacy and send to 57575. Mail your nominations to Legacy at zmedia.slgroup.com शुरुआत करते हैं सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 के तीसरे सिटी राउंड यानी कि दिल्ली राउंड की आपने तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह सब समझा दिया सुनने वालों को समझ आया कि नहीं ये नहीं पता सीडीओ मतलब बहुत ही मुश्किल टॉपिक है मतलब आसान नहीं है सीडीओ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लास है नीचे की कॉल ले रहे हैं ऊपर की कॉल बेच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि अगर मैं मान रहा हूं कि स्टॉक प्राइस बुल रन में रहेगा एंड नीचे वाली कॉल का ऑलरेडी प्राइस हाई होगा उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होगा वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक मैं हूं रोहित रॉय और आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और मेरे साथ हैं एक सेल्फ मेड मैन दीपक मेहता साहब द ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया चलते हैं आपके परिवार की तरफ हमने ये सुना है कि आप अपने माताजी के इतने करीब हैं कि आपको मामाज बॉय भी कहा जा सकता है यू कैन से सो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ऑपरेशन टेबल भी अगर वो हमारा ध्यान रखती हैं
हाँ जी बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितने करीब व्हाट लेवल ऑफ रिगार्ड वी हैव फॉर हर। टोटली टोटली सर, आपके परिवार के सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। एज अ फादर ही इज अ लीडर फॉर मी, ही लीड्स द वे एज इन यू नो आई कैन फॉलो हिज फुटस्टेप्स इजीली, मार्गदर्शन देते हैं। अ लीडर, अ विजनरी, वेरी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड, मैनर्ड, वेरी पंक्चुअल, वेरी लविंग, लेकिन इमोशंस अपने कभी भी दिखाएंगे नहीं, लेकिन वैसे इमोशंस कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिस्प्ले करे या ओवरली इमोशनली, बस जो चाहिए एक बार में आई थिंक कि वो समझ जाते हैं कि मुझे क्या कहना है, क्या चाहती हूँ, क्या करना है। हमारे पड़ोसियों ने इसको नॉन वेज खाने को दिया तो इसने बोला खा लूँ, मैंने कहा खा ले, उसके बाद इसने कहा माँ जी दरवाज़ा बंद कर दो, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर भी मुझे कहता है माँ जी रोशनदान भी बंद कर दो, मैंने कहा क्यों, कह रहा है भगवान जी देख रहे होंगे, तो मैंने कहा बेटा भगवान जी तो बंद कर दूंगी तब भी देख लेंगे, बंद दरवाज़ों में भी देखते हैं भगवान, तो इसने कटोरी उठा के थाली से बाहर कर दिया। वाह क्या बात, जोरदार तालियां दीपक जी के लिए। दीपक जी बहुत ही धार्मिक भी हैं, अपना काफी वक्त अपने गुरुजी के आश्रम में बिताते हैं जहां श्रम और धन दोनों का दान करते हैं। दीपक जी आई एम श्योर ये वाला आपके लिए सरप्राइज होगा, आपके गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनिए। ये हमारे आश्रम में 1989 से एसोसिएटेड हैं and I have known him to be a hugely thoroughly humble person and thoroughly professional. हम तो साधु लोग हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, जरा जरा सी बात पे हमको चीज़ समझ नहीं आती थी, कोई हमको कोई आफ्टर थाट आता था तो हम इनसे 10-10 बार 20-20 बार एक एक चीज़ के हमने नक्शे बनवाए, तो इन्होंने सारा काम बड़े प्रेम से किया आश्रम की स्थिति को ध्यान में रख करके, प्रोफेशनली वेरी हाईली कॉम्पिटेंट और बहुत विनम्र, और आज तक हमसे कभी कुछ आग्रह करने के पैसे की तो बात ही नहीं, पैसा तो कभी लिया ही नहीं, जरा सी बात पे भी ज़रूरत होती थी तो भाग करके दिल्ली से अपनी गाड़ी में आ जाते थे, सारा सुपरवाइज करते थे, और आश्रम की वैसे भी अनेक प्रकार से आप सेवा करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। इससे पहले कि हम अक्सर ऐसा होता है कि जब एपिसोड खत्म होने वाला होता है हम गेस्ट को जाने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे हैं, आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो शायद कंस्ट्रक्शन में घुस रही है या किसी भी और क्षेत्र में कदम रख रही है, नए नए जो लोग हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई टिप्स देना चाहते हैं फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर? दो ही टिप है सर, यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू जी, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस जी, तो दो मुद्दे कर लें तो आई थिंक सक्सेस इज ऑलवेज गारंटीड, आई कैन टेल यू। ये दोनों चीजें हमेशा शिद्दत से फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं ऑडियंस की तरफ, जाने से पहले इनकी जो इतनी भंडार है एक्सपीरियंस की, कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा? सर आपने एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की है सर, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही एक बेटर ऑप्शन है, तो सर क्या उसकी क्वालिटी पे कोई असर होगा सर, इसके बारे में एक आइडिया आप दे सकते हैं? देखिए जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग की बात है, इसमें जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की योजना है उसमें उन्होंने काफ़ी सब्सिडीज दी है, गवर्नमेंट ने दी है, इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी दी है, इसलिए जितने भी अब बिल्डर्स हैं ज़्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि क्वालिटी कम हो गई है, क्वालिटी तो जो बिल्डर देता है, जो डेवलपर देते हैं, जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, सेम टू सेम ड्राइंग्स हैं, इट इज़ द विच एरिया हैज़ बीन रिड्यूस्ड, और उसमें एफिशिएंसी इसलिए ला रहे हैं हम लोग कि कारपेट एरिया के ऊपर हम बिल्डर को सेल कर रहे हैं। सपोज आपने मकान लेना है तो आपको कारपेट एरिया आप आराम से मेजर कर सकते हैं, सुपर एरिया की डेफिनेशन एक बहुत बड़ी वेग डेफिनेशन थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर कर दी है, और आने वाले समय में ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी एक बायर को। तो सर फिर बिल्डर्स लोग क्यों इतने तकलीफ में आ गए कि नहीं नहीं हमें सुपर बिल्डअप पे बेचना है, हमें कारपेट नहीं बेचना है? इट्स अ मैटर ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फेज में हर किसी में टाइम लगता है, मतलब एक्सेप्ट इट। अभी जैसे आप समझ लीजिए दिल्ली में 4,000 रुपए फुट है, नोएडा में 4,000 फुट है, अब कारपेट पे बेचेंगे तो सीधा 7,000 रुपए फुट हो जाएगा,
तो नो इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द माइंड कि 7000 रुपीज पर स्क्वायर फुट बट विद अ पैसेज ऑफ टाइम आंसर इज सेम ए इनटू बी इज इक्वल टू सी बी इनटू ए इज इक्वल टू सी आंसर इज सेम बट adaptability from the mental point of view has to be there. Thank you. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने explain किया sir. अब जाते आते एक दो सवाल जो मेरे जहन में बचे हुए हैं अभी भी. कोई interesting hobby है जो building के अलावा आप करना चाहते हैं या करते हैं? Hobby basically समझ लीजिए या शौक कह लीजिए astrology का शौक है. Astrology का शौक है? Sir तो इसके show के बाद मैं आपको जाने नहीं दूँगा. Occult sciences में पहले palmistry, फिर numerology. फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी फिर लाल किताब मतलब ये सब कर चुके हैं हम लोग बेसिकली काफी शौक हैं ये आप पढ़ चुके हैं और सीख भी चुके हैं सबके सामने स्टूडियो के सामने हिंदुस्तान के आवाम के सामने बोले सर मेरे लिए भी आप थोड़ी सी रीडिंग कर देंगे ना जी बिल्कुल करेंगे ओह दैट्स अ रियली रियली नाइस हॉबी और ये आपको ये अभी भी आप फॉलो फॉलो करते हैं डेली क्वेश्चंस आते हैं लोगों के आंसर देते हैं शौक मतलब हॉबी आपको लगता है कि इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई फायदा हुआ बड़ा फर्क पड़ा है बिकॉज यू शुड टेक इट इन प्रैक्टिकल वे मलेरिया ठीक हो रहा कुनीन खाने से तो अगर वायरल होगा तो कुनीन असर नहीं करेगा दैट शुड बी द अप्रोच बेसिकली आप छाता लगा दें पांव तो भीगेंगे कैनॉट चेंज योर डेस्टिनी सर इतना कुछ अचीव किया है आपने इस मुकाम पर पहुंचे हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते कोई रिग्रेट रहा जिंदगी में आप एक रिग्रेट कह सकते हैं फादर का शौक था कि मेरे ऑफिस में आके बैठे हैं ही यूज्ड टू से व्हेन आई पास्ड आउट बट ही अनफॉर्चूनेटली पास्ड अवे ही कुडंट कम सी माय ऑफिस तो वो कभी आपके ऑफिस नहीं आ पाए वो नहीं आ पाए लेकिन I'm quite sure और मुझे पूरा यकीन है कि वो जहां कहीं भी हैं वो आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे प्राउड हो रहे होंगे कि आपने ये मुकाम हासिल किया है बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने का और दोस्तों दीपक जी की तरह कई और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हमारे शो पर आएंगे और आप लोग भी देखते रहिए सेल्फ मेड और हौसला रखिए कि जो सपना आपने जिंदगी में देखा है वो आप पूरा जरूर करेंगे मिलते हैं अगले हफ्ते टिल देन दिस इज रोहित रॉय साइनिंग ऑफ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गुड नाइट थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच दोस्तों अगर आपकी कहानी इनसे मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें मेल करें या कॉल करें हमारा मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com हमारा फोन नंबर है 9999976639 टेक केयर शुरुआत करते हैं सेंसेस का सुल्तान सीजन 4 के तीसरे सिटी राउंड यानी कि दिल्ली राउंड की आपने तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह सब समझा दिया सुनने वालों को समझ आया कि नहीं ये नहीं पता सीडीओ मतलब बहुत ही मुश्किल टॉपिक है मतलब आसान नहीं है सीडीओ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लास है नीचे की कॉल ले रहे हैं ऊपर की कॉल बेच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि अगर मैं मान रहा हूं कि स्टॉक प्राइस बुल रन में रहेगा एंड नीचे वाली कॉल का ऑलरेडी प्राइस हाई होगा उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होगा नई खबर मंडी लाइव का नया तेवर फायदे की हर खबर पर नजर एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मंडी लाइव कॉलर शो आपकी खबर आपका फायदा मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM
शुरुआत करते हैं सेंसेक्स का सुल्तान सीजन फोर के तीसरे सिटी राउंड यानी कि दिल्ली राउंड की। आपने तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह सब समझा दिया। सुनने वालों को समझ आया कि नहीं, ये नहीं पता। सीडीओ मतलब बहुत